नमस्कार, इस हफ्ते का मुकाबला पेश है आपके सामने। मसला और मुद्दा बहुत साफ है इस हफ्ते, बल्कि कई बार सोचना पड़ता है कि किस विषय पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करें, लेकिन इस हफ्ते ऐसा सोचने की कतई भी जरूरत नहीं थी। बहुत साफ था कि ऑनर किलिंग्स का जो मामला है, और मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहूंगा और अपने पैनल से इस पर चर्चा करूंगा कि ऑनर किलिंग का वाकई मतलब क्या होता है, उसे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। ऑनर का अगर सीधा हिंदी अनुवाद करें तो किसी की मर्यादा या प्रतिष्ठा होती है, और उसमें किलिंग शब्द किसी की हत्या कैसे जुड़ सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। सवाल को मैं ज़रूर टटोलूंगा। और हमने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा है कि 2010 के हिंदुस्तान में, मैं अलग अलग अपने प्रोग्राम्स में तमाम बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, 2010 के हिंदुस्तान में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती? ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, क्या इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती? मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है, उनको सुनिएगा। मेरे साथ एक ऑडियंस मौजूद है, उनके सवाल होंगे, और आखिरकार आपकी राय होगी जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में यहाँ पर यशपाल मलिक साहब मौजूद हैं। यशपाल मलिक जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति की, खाप पंचायतों की वो नुमाइंदगी करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या 2010 में ये तस्वीर नहीं बदल सकती। स्वामी अग्निवेश मेरे साथ मौजूद हैं। सालों से एक समाज सेवी के तौर पर वो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के। लगातार ये जो पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं, इसमें बदलाव लाने की वो कोशिश करें। प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है संस्कृत के दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आजकल आप उनको टेलीविजन पर अक्सर सुनते होंगे और ये अपनी बात रखते हैं, अपने हिसाब से बदलते हैं हिंदुस्तान की इनकी जो दलील है। इनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, मेरे पास बहुत सवाल होंगे इनसे पूछने के लिए। मेरे पास दो और बहुत खास मेहमान है। मेरे साथ सुभाषिनी अली जी हैं जो लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रही हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, लोग महिलाओं की बात करते हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े बहस होती है वुमेन्स रिजर्वेशन उनके आरक्षण के लिए, लेकिन आप किसी भी इस तरह की समाज में बैठने वाली वायलेंस की अगर आप तस्वीर देखिए तो आप पाएंगे उसमें सबसे पहला निशाना औरत होती है। तो ये कौन से ठेकेदार है जो समाज को बदलने की बात करें? मेरे साथ गिरिजा व्यास जी भी मौजूद रहेंगे कुछ देर के लिए। गिरिजा व्यास जी आप सब जानते हैं, वो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, और वही सवाल मैं उनसे पूछूंगा कि आप सब लोग बात करते हैं औरत के बदलाव के लिए, लेकिन वो लगातार क्यों निशाना होती है इस तरह की सोच का? तो जिसका बुनियादी समस्या सबसे बड़ी है कि आखिरकार लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, महिलाएं अभी भी निशाना होती इस तरह का प्रदेश। गिरिजा व्यास जी, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करूंगा, आप चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, कितने मामले आपके सामने आते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी के एक यंग एमपी नवीन जिंदल जब एक तरह से बचाव में खड़े हो जाते हैं इस तरह की पंचायतों के, हालांकि सब ये कहते हैं वायलेंस गलत है, तो फिर आप लोग औरतों के हक की लड़ाई में उनके लिए क्या रास्ता निकाल पाएंगी? देखिए, आपका पहला प्रश्न, मैं पहले से जवाब आपने जो कहा था जी, मैं ऑनर किलिंग से ही देना चाहूंगी। जिंदल जी की बात भी पिछले सप्ताह जो कुछ हुआ मैंने भी देखा, उन्होंने फिर कह भी दिया कि मेरा आशय ये नहीं था, इसलिए उस बात को तो मैं वही समाप्त करती हूँ। लेकिन वास्तव में आपने सही कहा कि ऑनर किलिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम इस किलिंग को तो, और किसी भी किलिंग को ऑनर के साथ प्लीज मत जोड़िए। ये शब्द आयातित किया हुआ शब्द है, और ऐसी विभत्स और ऐसी अनमानवीय हत्याओं पर जो अपने ही लोगों के द्वारा सजा के तौर पर सुनाई गई हो, उसे निश्चित तौर पर कहीं पर किसी भी दृष्टि से उसको हम लोग ऑनर तो नहीं कह सकते, और इसलिए उस शब्द को मैं कभी प्रयुक्त करना उपयुक्त नहीं समझती किसी भी हालत में नहीं।